गाजियाबाद के इंद्रपुरम के प्रेसिडियम स्कूल के बाहर धरने पर बैठे अभिभावकों ने अनोखा प्रदर्शन किया। दरअसल पेरेंट्स ने ढोल बजाओ सरकार जगाओ अभियान चलाकर और हाथों में थाली और चम्मच लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के माता पिता ने कहा कि अब वक्त आ गया है सरकार को ढोल और बर्तन बजाकर उठाया जाए। जैसा कि पूरी मीडिया में पूरी सरकार के पास भी मैसेज जा चुका है, प्रेसिडियम स्कूल ने मिड सेशन में 18 बच्चों की, 34 बच्चों की, अब और भी बढ़ रही है, 45 बच्चों की टीसी कटने जा रही है और मिड सेशन में बच्चों की एग्जाम अब शुरू होने वाले हैं। अभी तक हमने सभी प्रशासन में जाके, सभी डिपार्टमेंट में जाके, सभी मिनिस्टर्स के पास जाके अपनी प्रॉब्लम बताई, अभी तक किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। आज हम प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं, करीब 7 दिन हो गए हमें प्रोटेस्ट में बैठे हुए और आज तक अभी तक किसी ने कोई सहयोग समर्थन नहीं दिखाया, किसी योगी सरकार ने भी नहीं दिखाया, ना मोदी सरकार, मोदी जी ने नहीं दिखाया, किसी ने नहीं दिखाया। आपको बता दें कि प्रेसिडियम स्कूल ने एनुअल फीस नहीं जमा कराने पर 50 बच्चों के नाम काट दिए थे, जिसके विरोध में पिछले 15 दिनों से अभिभावक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज़ ब्यूरो।